लेकिन आज समाजवादी पार्टी नहीं है, आज बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार क्या है कि बीजेपी की हुकूमत क्या है, खुल्ला खुल्ला वार कर रही, मैं पहले से बता दिया हूँ, खुल के वार करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है अंदर से वार करती है। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसका सिर्फ उद्देश्य रहता है कि मेरा नाम भी ना आए और मुसलमान कहीं ना कहीं से मारा जाए, मुसलमानों पर जुल्म हो। क्योंकि जब तक मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं होगा, मुसलमान मारा नहीं जाएगा, तब तक मुसलमान बीजेपी को हराएगा नहीं। ये बीजेपी को हराने का जो सिस्टम पैदा किया गया है, ये समाजवादी और कांग्रेसियों की देन है। क्योंकि जब भी आप मारे जाएंगे, चाहे दंगे के नाम पे मारे जाए, किसी के नाम पे मारे जाए, तो ये कांग्रेसी और समाजवादी खुलकर आपकी मदद नहीं करेंगे, ना अंदर से मदद करेंगे। क्योंकि जानते हैं कि जब तक आप तकलीफ में नहीं होंगे, जब तक आप मारे नहीं जाएंगे, तब तक आप बीजेपी को हराएंगे नहीं। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी यूजेपी से किसी से कोई खतरा नहीं, ना समाजवादी से कोई खतरा, समझ रहे ना। इनको डालिए, इनको अलग करिए, आप अपनी कयादत, अपनी मजबूती बनाइए। क्योंकि फैसला अब हमारा और आपका फैसला यादव जी, पंडित जी, ठाकुर जी, पटेल जी नहीं करेंगे। हमारा फैसला फिरोज आलम, अब्दुल कय्यूम, हमारे समाज के ही लोग करेंगे। और हमारे समाज के लोग हमारा फैसला तभी करेंगे जब हम अपने लोगों में से एक लोगों को चुनकर देश की पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजेंगे। इससे पहले हमारा फैसला, इनसे उम्मीद मत रखिए मेरे भाई। हमारे पास शब्द नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे उम्मीद मत रखिए मेरे भाई, जुल्म की इंतहा हो गई है, इनसे उम्मीद मत रखिए। ये हर समाज के लोग आपको दबाना ही चाहेंगे। बीजेपी है वो भी हमारे आपका खुराक है, बीजेपी के खुराक जो है वो भी मुसलमान ही है। और आप लोग सोचते हैं कि समाजवादी नहीं, हम समाजवादी के खुराक भी हम ही आप है, कांग्रेस पार्टी की भी खुराक हम ही आप है। बीजेपी जीतेगी तो हमारे आपके वजह से जीतेगी, और कांग्रेस और समाजवादी भी जीतेगी तो हमारे आपकी वजह से जीतेगी। इनको जब भी हुकूमत करना है तो हमको आपको ये समझना है कि बिना हमारे आपके कोई हुकूमत में हमें बिना साथ लिए, बिना सत्ता का हिस्सा बनाए कोई हुकूमत में नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाई, बराबरी का सौदा करिए। बराबरी का सौदा तभी हो सकता है जब अपनी कयादत, अपने लोग हो। क्या गठबंधन करना है, समाजवादी को क्या समर्थन करना है, कांग्रेस को क्या समर्थन करना है, ये मेरे भाई हमारे आपके लेवल की बात नहीं है। उनसे गठबंधन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लखनऊ में, दिल्ली में, हैदराबाद में हमसे आपसे बड़े बड़े लीडर, हमसे आपसे बड़े बड़े नेता बैठे हुए। हमारा आपका काम है कि अपने लोगों में से एक लोगों को, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, पूरी ताकत लगाकर उसे जिताएं और वहां भेजें। कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, समाजवादी बनाएगी, उसका सौदा, उसका समर्थन वहां पर हमसे आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए। इसी के साथ साथ